मुझे ऐसा लगता है जहाँ आज हमारा देश है, आज हमारे देश को बाहर के लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही जानते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और जो आज लोग यूपी में डरते हैं, जो खुलेआम चीज़ें होती थी पहले यूपी में, दिन दहाड़े होती थी, आज योगी आदित्यनाथ की वजह से थोड़ा सा डरते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कहना था विदेशों में जो भारत को जाना जा रहा है सिर्फ मोदी जी की वजह से, वो इंडिया से बेवकूफों की वजह से जाना जा रहा है। वो चली गई, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता महिलाएं। हाँ, सीधी सी बात है, वो इन्हीं जैसे लोगों की वजह से कहा जा रहा है। दोस्तों, आगे का वीडियो और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस लड़की का कहना है बाहर के लोग अगर हिंदुस्तान को जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से जानते हैं। लेकिन फिर शर्मा जी ने इसको बहुत शानदार जवाब दिया है और जवाब सुनने के बाद आपको भी बहुत मजा आएगा, तो बने रहे वीडियो में आखिर तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर दिल्ली में ये सोल्यूशन है कि ऐसे गरीब लोगों के लिए, जो मतलब मीडियम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए फ्री बस कर दी जाए तो जी खुश हैं, 200 यूनिट फ्री मिल जाए तो बिल्कुल खुश हैं। बाकी अंदर जो घोटाला होए जा रहा है उसका कोई कुछ नहीं है। ये फंस गया सी है। केजरीवाल जो मुफ्त दे रहा है वो गलत दे रहा है ना आपके अकॉर्डिंग? तो वही 85 करोड़ राशन मोदी जी दे रहे हैं तो वो गलत कैसे कर रहे हैं, सही कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल 81 करोड़, 2 करोड़ ज्यादा होते हैं, 81 करोड़ ज्यादा होते हैं। प्यारी समझ गई क्या? वो जो वो दे रहा है ना, उसके अलावा भी वो बहुत घपले करता है। और सुनो, और अगर मोदी जी दे रहे हैं तो मोदी जी के पास रिस्पेक्ट है, उसको तो 2 चांटे पड़ चुके हैं भाई, वो जेल जा चुका है। और क्या लोगे, कच्चा धंधा कर रहे हैं यार। चुका है, आपको पता गृह मंत्री अमित शाह जेल जा चुके हैं, तड़ी पार हुए थे 1 महीने के लिए। देखो इतनी इतनी सा अमित शाह भी जेल जा चुके। मैं बिल्कुल बात मानती हूँ, मैं अमित शाह और इस सब चीजों, भाई अमित शाह ने और भी बहुत पुलवामा अटैक तो मूवी जाके देखो भाई, इसी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मूवीज इनको रियलिटी लगती है, रियलिटी इनको मूवीज लगती है। ठीक है, देखो मैं जो कहती हूँ, मैं तो मोदी जी के साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी, और उनकी रिस्पेक्ट ये है भाई ये। मगर क्यों? उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया है, हमारा देश जो माना जाता है, जाना जाता है, लोग जानते हैं भाई, बाहर के देश वाले लोग जानते हैं कि इंडिया कुछ है। तो मेरे लिए तो भैया बीजेपी थी, है और हमेशा रहेगी, मोदी जी से ऊपर तो है ही नहीं कोई। लगता है तुम खा के ही मानोगे। पूछो ये क्या है? मोदी जी थे, है और रहेगी। कह रहे आज विदेश में आपने अपने ज्ञान का परिचय दे दिया। मैडम, आप यही कह सकती हो आप इसी लायक हो। अंधभक्ति चरम पे है, अंधभक्ति जिंदाबाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।